आज हम बात करेंगे कि बायस थ्योरम क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये कौन सी चीज़ है। ये है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के अंदर दो रास्ते निकाले जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट वन वॉज आर बायस थ्योरम एंड सेकंड वन वॉज योर बायेसियन स्टैटिस्टिकल्स, ठीक है, या बायेसियन नेटवर्क बोल सकते हो उसको। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बायस थ्योरम क्या होती है। तो इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विथ अनसर्टेन नॉलेज। बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विथ अनसर्टेन नॉलेज करती है, ठीक है। इट इज़ अ वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P of B by A विद द नॉलेज ऑफ P of A by B, ठीक है, दोनों का एक साथ कैलकुलेट करेगा। अब देखो, इट अलाउज द अपडेटिंग प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन ऑफ एन इवेंट बाय ऑब्जर्विंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो आपका ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करना जानते हो। देखो, कंडीशनल मैंने आपको पढ़ाई थी प्रोबेबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला ये था, अगर मैं इस बी को इधर ले जाऊँ, इस ए को इधर ले जाऊँ, तो क्या मेरे ये दोनों फॉर्मूले नहीं बन जाते, ये वाला और ये वाला? बन गया, ठीक है। अब देखो, ये वाला पिक करता हूँ मैं, ठीक है, ये वैल्यू नीचे चल गई। अब इसकी वैल्यू मैं पता है क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर रहा हूँ इधर। तो इधर पुट कर दी मैंने ये वैल्यू और ये बी नीचे चला गया, तो क्या मेरा ये नया फॉर्मूला नहीं बन गया? और इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन बायस रूल। क्या बोलते हैं इसको? बायस रूल बोलते हैं, ठीक है। इट शोज, क्या शो करता है ये? सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आपका P of A by B क्या है? पोस्टीरियर है, हमेशा याद रखना, अगर आपको पोस्टीरियर बोले तो ए आगे आएगा, फिर बी बाद में आएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप किसकी बता रहा है? जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की। अब एक और चीज़ देख लेते हैं साथ के साथ, अगर मैं बी की वैल्यू, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में बात करूँ, इसको पूरे वैल्यू को वन कंसीडर कर लूँ, तो मेरा बी इधर आ जाए, तो मेरी बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। तो अब ith टर्म यानी k टर्म तक बात करूँ, तो k टर्म तक बात करें तो अपना i लग जाता है, या i लग जाता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? समीशन, ठीक है, i इक्वल टू वन से लेकर k तक, ये चीज़। और ऊपर सिंगल i के लिए, लाइक i2 के लिए, i3 के लिए, i4 के लिए, तो यहाँ पे नीचे समीशन आता है। इन जनरल फॉर्म के अंदर ये चीज़ होती है, अदरवाइज आपका ये फॉर्मूला बेस्ट है, सारे न्यूमेरिकल इसी से होंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, इसको समझ लेना बस एक बार। आगे चले, एक क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू अपन को ये थोड़ा ईजी पड़ेगा, क्या? बायस रूल। तो क्वेश्चन इज गिवन टू अस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट हैज डिजीज मेनिंजाइटिस विद अ स्टिफ नेक। ए डॉक्टर इज अवेयर दैट डिजीज मेनिंजाइटिस कॉज ए पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक एंड इट अकर्स 80% ऑफ टाइम। तो सबसे पहले और साथ के साथ पी ऑफ डी यानी डी को मैंने क्या ले लिया? डिजीज ले लिया। एस को मैंने ले लिया स्टिफ नेक, ठीक है, ये दोनों गिवन है, ठीक है, एक बात समझ में। दूसरी बात मुझे क्या पता है? इट अकर्स 80 ऑफ टाइम, क्या अकर्स है? स्टिफ, किस पर? डिजीज, इस पर। तो एस बाई डी आ जाएगा, आ गया 80%, कितना होता है? 0.8%, 2% यानी 0.02%, ठीक है, 0.02 आ गया, और डी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ए पेशेंट हैज डिजीज मैग्नेटी जो भी है, वट एवर है, विद ए स्टिफ नेक, यानी कि अपन को पूछा है D by S पूछा, यानी कि A by B पूछा एक तरह से मान लो। तो अपन को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डी बाई एस का क्या होगा? एस बाई डी मल्टीप्लाई डी, डी आता है आगे, इसलिए इधर डी आ गया, बाद में ऐसा है इसलिए नीचे एस वाला आ गया। अब इन दोनों की, तीनों की, चारों की वैल्यू पता है, तो तीनों की वैल्यू हमने पुट कर लिया, आंसर निकल लिया 0.00133। तो ये है प्रोबेबिलिटी इसकी, किसकी? डी बाई एस की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं किसके अंदर? बायस रूल के अंदर। और हो सकता है दो नंबर में पूछ ले आपको, पाँच नंबर में पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इसके अंदर आप आसानी से कर पाओगे, फॉर्मूला बता सकते हो, डेफिनेशन बता सकते हो, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।